अंडे का फंडा फंडे का अंडा, भाई इस छोटी सी चीज के किस्से बड़े बड़े हैं, लेकिन इससे जुड़े सवाल के घेरे में कई लोग खड़े हैं। वैसे क्या आपकी खोपड़ी भी ये सोच सोच कर परेशान है कि अंडा पहले आया या मुर्गी? और क्या आप जानना चाहते हैं कि अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? अंडा खाने से होता क्या है? क्या मुर्गी फार्म में मौजूद अंडे मुर्गी और मुर्गे के संपर्क में आने से बनते हैं या नहीं? और अंडा असली है या नकली? अच्छा या बुरा, इसकी पहचान कैसे करें? अरे अरे अरे, इतने सवाल एक साथ ना पूछिए। चलिए ऐसा करते हैं, वन बाय वन सारे सवाल के जवाब देते हैं, पर लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, अंडे से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जानने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले ये नेक काम कर लीजिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। असल में देखा जाए तो अंडा वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन दोनों ही प्रकार का होता है। दरअसल अंडों को दो कैटेगरी में रखा जाता है, एक फर्टिलाइज्ड एग, दूसरा अनफर्टिलाइज्ड एग। सबसे पहले बात करते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग की। तो दोस्तों, ये वो अंडे होते हैं जो मुर्गियां मुर्गों से संबंध बनाए बिना देती हैं, और इन अंडों से कभी चूजे बाहर नहीं आ सकते। वैसे अगर आप साइंटिस्ट्स के जरिए इस बात का प्रमाण चाहते हैं, तो बता दूं कि वैज्ञानिकों के मुताबिक भी बाजार में मिलने वाले ज्यादातर अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, यानी वेजिटेरियन। एक रिसर्च में ये बताया गया है कि अंडे की सबसे ऊपरी लेयर यानी कि छिलके में प्रोटीन होते हैं, इसमें कोई नॉन वेज टाइप पदार्थ मौजूद नहीं होता है। वहीं जो इसके अंदर का पार्ट यानी सफेदी और जर्दी में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है और फैट मिलता है, जो आपकी बॉडी के लिए काफी हेल्दी होता है, और ये अंडे वेजिटेरियन होते हैं। वैसे अगर आपको बाजार के अंडे पर भरोसा नहीं है, तो आप मुर्गी फार्म से अंडा ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ लगभग हर अंडा मुर्गे से संबंध बनाए बिना ही दिया जाता है। बात करें फर्टिलाइज्ड एग की, तो इन अंडे में गैमेटोसेल्स मौजूद होते हैं, जिनसे ये पता चलता है कि वो अंडा मांसाहारी है, यानी वो अंडा मुर्गी ने मुर्गे से संपर्क बनाकर दिया है। लेकिन इन अंडों को ज्यादातर पोल्ट्री फॉर्म वाले फर्टिलाइज्ड एग को मुर्गियों के विकास के लिए रख लेते हैं, और इन्हें शुरू से ही ऐसा खाना दिया जाता है जिसमें दवा मिली होती है। इस दवा की मदद से ये मुर्गियां अनफर्टिलाइज्ड एग करती हैं, जो कि शाकाहारी होते हैं। तो अगर आप मांस से बिल्कुल दूर रहते हैं और अंडों से दोस्ती करना चाहते हैं, तो आप इन अनफर्टिलाइज्ड एग से दोस्ती कर सकते हैं। घबराइए मत, उसके बाद आप शाकाहारी ही रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब आपके बचपन वाले सवाल का जवाब देते हैं, बोले तो पहले अंडा आया या मुर्गी? आज से पहले इस सवाल ने मुझे भी खूब परेशान किया था, लेकिन अब मेरी आपकी तरह खोपड़ी की खुजली, मेरा मतलब कि दुविधा दूर होने वाली है। दरअसल जब वैज्ञानिकों ने देखा कि लोग हद से ज्यादा इस क्वेश्चन को दोहरा रहे हैं और इसका जवाब जानने के लिए सर पटक रहे हैं, तो साइंटिस्ट ने इस सवाल पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी। और रिसर्च में वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि मुर्गी का अंडा नहीं, बल्कि अंडे की मुर्गी पहले आई, मतलब पहले मुर्गी आई और फिर उसका अंडा। ऐसा इसलिए क्योंकि अंडे का खोल बनाने के लिए OB17 नाम के प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। अगर OB17 नहीं है, तो समझ लीजिए कि अंडे का खोल नहीं बन सकता, और जब खोल ही नहीं बनेगा, तो अंडा कैसे बनेगा? और OB17 नाम का ये प्रोटीन सिर्फ मुर्गी के अंडाशय में ही पाया जाता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने ये कहा कि पहले मुर्गी आई। और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस सवाल को लेकर परेशान नहीं होंगे। खैर, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ना किया हो तो फटाफट कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना हो तो भी देर मत कीजिए, हाँ कर लीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि अंडा अच्छी क्वालिटी का है या नकली क्वालिटी का, इसका पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए आपको करना ये है कि एक बर्तन में पानी भरना है, फिर उसके बाद अंडा लेकर उस बर्तन में डाल देना है। अब अगर अंडा बर्तन में पूरा डूब जाता है या नीचे बर्तन से टच हो जाता है और ऊपर नहीं आता, तो समझ लीजिए कि वो अंडा अच्छी क्वालिटी का है और बिल्कुल ताजा है। लेकिन अगर अंडा बर्तन में नीचे बैठने की जगह कुद्दी मार मार कर ऊपर आता है, नीचे डटने का नाम ही नहीं लेता, तो समझ लीजिए कि वो अंडा घटिया क्वालिटी का है और कई दिनों पुराना है, तो आपको नहीं खाना चाहिए। लेकिन आजकल बाजार में नकली अंडों की भरमार है, जैसे चाइना के दूसरे माल नकली आते हैं, वैसे बाजार के कुछ अंडे भी नकली आते हैं, और चाइना के नकली माल की तरह इन अंडों को भी चाइनीज अंडों का नाम दिया जाता है। अब ये सवाल है कि इन अंडों को पहचाने तो पहचाने कैसे? तो इसके लिए आपको आग का इंतजाम करना है। आग मतलब कोई हवन कुंड वाली आग नहीं, कैंडल जला लीजिए या फिर माचिस की तीली भी काम करेगी। अब इस अंडे के ऊपरी लेयर यानी कि छिलके को आग के संपर्क में लाइए। अगर ये कवर धू-धू कर जलने लगता है, तो समझ लीजिए कि ये माल चाइना का है, और अगर अंडे का ये कवर नहीं जलता, तो समझ लीजिए कि ये मेड इन इंडिया है। इसके अलावा दूसरा फर्क ये भी है कि नकली अंडे असली अंडे की तरह बेरंग नहीं होते, मतलब ये बेहद चमकदार चिकने किस्म के होते हैं, जिनके हाथ लगाते ही अच्छी वाली फीलिंग आती है, लेकिन ये अंदर जाते ही गोलमाल
इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि असली नकली के अलावा अगर फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड अंडों की पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको करना कुछ ऐसा है कि एक टेबल लेनी है, उस टेबल को एक बंद कमरे में रख देना है और टेबल के नीचे एक बल्ब जलाकर रखना है। पर सबसे जरूरी चीज कि टेबल में जो खांचे बने हैं उनमें आपको अंडे रखना है। अब अगर रोशनी अंडे को पार कर जाए और अंडे के अंदर कुछ नजर ना आए तो वो अंडा अनफर्टिलाइज्ड है यानी कि वेज, और अगर उसमें कुछ डार्क सा नजर आ रहा है तो समझ लीजिए कि उसके अंदर चूजा है और वो अंडा फर्टिलाइज अंडा है यानी नॉन वेज, तो उसे मत खाइएगा। चाहे तो चूजा बाहर आने का वेट करके उसे पाल लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। वैसे बता दूं कि अंडे खाने के कई फायदे होते हैं। अंडा उबाल कर खाया जाए तो फायदों की गिनती कम नहीं होगी, बढ़ती ही चली जाएगी। अंडे में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है जो आंखों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए डाइट में अंडा जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन और कई विटामिन्स होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने से लेकर हेल्दी बनाने तक में मदद करते हैं। लेकिन हाँ, याद रहे कि एक दिन में एक ही अंडा खाएं, कहीं ऐसा ना हो कि जोश में ज्यादा ही लुढ़का जाएं और फिर बाद में दिक्कत हो, क्योंकि अति हर चीज की बेकार होती है। और हाँ, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, संडे हो या मंडे रोज खाओ वनडे। भाई सोच क्या रहे हो, अरे खाओ, नॉन वेजिटेरियन नहीं बन जाओगे, वेजिटेरियन ही रहोगे, वजह तो हमने बताई दी है। अब भाई लोगों, ये हो गई अंडे से जुड़ी हर जानकारी। अब आप इस जानकारी के आधार पर अंडे को खा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी खा सकते हैं, बस सब आपके ऊपर है। अब आप ये बताइए कि वीडियो कैसी लगी, मजेदार या ऑसम, कमेंट कीजिए, और पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, है ना? चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।